दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार के सभी जिलों में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल का दाम। जी हां, राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई है। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे की वृद्धि के बाद एकमात्र बची जिला बेगूसराय में पेट्रोल 100 रुपये पार कर 100.24 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। शनिवार तक यहां पेट्रोल 99.91 रुपये प्रति लीटर था। हालांकि बिहार में प्रति लीटर पेट्रोल की सबसे कम कीमत बेगूसराय में ही है। राज्य के वैसे जिले जहां पर पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है उसमें किशनगंज, जमुई, मुंगेर, अररिया, पश्चिमी चंपारण और पटना शामिल है। अगली बड़ी खबर, गेहूं की खरीद में 11वें और जमा करने में 8वें स्थान पर पहुंचा भागलपुर। जी हां, गेहूं की खरीद मामले में भागलपुर सूबे में 11वें तथा जमा करने में 8वें स्थान पर है। हालांकि चावल जमा करने की गति धीमी है। चावल जमा करने में जिला 26वें पायदान पर है। गेहूं की खरीद मामले में बांका और मुंगेर जिला पीछे है। आपको बता दें कि गेहूं खरीद में सुपौल 18वें, अररिया 19वें, खगड़िया 20वें, सहरसा 23वें, पूर्णिया 26वें, बांका 27वें, लखीसराय 28वें, मुंगेर 30वें, कटिहार 33वें और जमुई 36वें पर है। गेहूँ जमा करने के मामले में भागलपुर 8वें स्थान पर है। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार विभाग ने जारी किया। जी हां, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश के आसार है। रविवार को भी बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून से 1 जुलाई तक कहीं जोरदार तो कहीं हल्की बारिश होगी। दूसरी ओर तेज बारिश को लेकर मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर को मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है। राज्य भर में स्थानीय प्रभावों से बने गरज वाले बादलों की वजह से बारिश की स्थिति बरकरार है। 1 जुलाई को 23 जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की स्थिति देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है। बिहार में मोटे पुलिस वालों को इनाम देगी नीतीश सरकार, जानिए क्या रखी गई है सर। जी हां, स्वास्थ्य के प्रति पुलिस वालों को जागरूक करने के लिए बिहार पुलिस अनोखा प्रयोग कर रही है। खेल कूद और पीटी परेड के साथ भारी भरकम पुलिस वालों के बीच वजन कम करने की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो जीतेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के इसी महीने जारी आदेश के मद्देनजर खेलों द्वारा इस पर काम शुरू कर दिया गया है। रोहतास के एसपी ने तो इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं पुलिस कर्मियों को वजन घटाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतियोगिता भी रखी गई है। देश में फिर 50,000 से कम कोरोना के नए केस, 13 अप्रैल के बाद 1,000 के नीचे आया मौत का आंकड़ा। जी हां, पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना वायरस के 46,148 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना के इलाजरत मरीजों का आंकड़ा भी घटकर 5,72,994 पर आ गया है, जो कि कुल मामलों का सिर्फ 1.89% है। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही भारत ने टीकाकरण भी रिकॉर्ड बना लिया है। कुल टीकाकरण के मामले में भारत ने अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान राहत की बात यह भी कि देश में कोरोना से हर दिन हो रही मौतों का आंकड़ा भी 1,000 से नीचे आ गया है। बड़ी खबर, 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला प्रखंड बना बनकटवा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। बिहार में तेजी से कोरोना टीकाकरण का काम चल रहा है। 18 साल से ऊपर के तमाम लोग बढ़ चढ़कर टीका लगवा रहे हैं। इसी बीच पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड संपूर्ण टीकाकरण वाला बिहार का पहला प्रखंड घोषित हुआ है। इस उपलब्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट करके उसे बधाई दी है। बिहार में कौन होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल, संजय जायसवाल और सुशील मोदी में से एक को मिलेगा मौका, दोनों के लिए दिल्ली में हो रही है लॉबिंग। बिहार में बीजेपी के दो नेता को केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा तेज है, लेकिन इन दोनों के साथ एक समस्या है कि दोनों में से किसी एक को ही मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में कुछ नेता एक की परवी कर रहे तो कुछ दूसरे की। जी हां, बात कर रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की। दोनों बिहार से आते हैं और दोनों स्वजातीय है। ऐसे में केंद्र मेहरबान भी होगा तो एक नेता पर होगा, लेकिन इन दोनों की पैरवी
बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से करने शुरू कर दी है। सुशील मोदी बिहार में लंबे अरसे तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में सुशील मोदी को राज्यसभा से सांसद बना दिया गया। मंत्रालय के काम में उनका अनुभव काफी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोविड 19 के 185 नए संक्रमित मरीज, रिकवरी दर 98.38 के पार। जी, बिहार की जनता के लिए यह काफी राहत वाली खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले 24 घंटे के भीतर 200 के नीचे घिसक चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मात्र 185 राज्य में नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक संक्रमण के मामले में पहले पायदान पर चल रहा राजधानी 15 नए संक्रमित मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक चुका है। पहले पायदान पर 16 नए मरीजों के साथ समस्तीपुर और पूर्णिया को चिन्हित किया गया है। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो वैशाली में 12, सहरसा में 6, मुजफ्फरपुर में 11, मधुबनी में 10, मधेपुरा और मुंगेर में 3, किशनगंज में 7, दरभंगा में 11, जहानाबाद में 1, भोजपुर में 2, बेगूसराय में 3, अररिया में 4, बांका में 2, गया में 6 नए संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में 6 जुलाई से खोलने लगेंगे शिक्षण संस्थान, जानिए क्या है सरकार के गाइडलाइन। जी हां, बिहार में शर्तों के साथ बाजार खुलने के बाद अब सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्देश देगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। बच्चों की जान जोखिम में डालकर हम स्कूल नहीं खोलेंगे। 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सबसे पहले खोलेगी। दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक, और तीसरे चरण में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएगी। स्कूल के लिए शिक्षण संस्थानों के विशेष गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। एक दिन में केवल 50% विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति होंगे, शेष 50% अगले दिन आएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का हर जिलों में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में 30 सितंबर तक वाहनों के जुर्माना में छूट, लैप्स कागजातों के रिन्यूअल में भी नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हां, आगामी 30 सितंबर तक लैप्स वाहनों के कागजात पर जुर्माना नहीं देना होगा और न ही इनके रिन्यूअल में कोई पेनल्टी राशि लगेगी। 1 फरवरी 2020 से लैप्स हुए सभी वाहन कागजात और सर्टिफिकेट पर लागू होगा पहले जुर्माना से छूट की यह अवधि 30 जून तक थी, जिसे परिवहन विभाग ने अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने लैप्स कागजातों को रिन्यूअल नहीं होने को लेकर परेशान थे। अब 30 सितंबर तक ना तो उनसे वाहन कागजात के लैप्स होने के एवज में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लिया जा सकता और ना ही वाहन कागजातों का रिन्यूअल कराने में कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे सभी कागजात जो 30 सितंबर से पहले लैप्स करेगी उनकी वैधता 30 सितंबर तक के लिए मान्य होगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में जान गंवाए बिहार के प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मुआवजा, जाने किन दुर्घटनाओं में मिलेगी यह अनुदान राशि। जी हां, बिहार से बाहर देश विदेश में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत अगर कोरोना काल में हुई है तो श्रम संसाधन विभाग उनके परिवार को बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ देगा। इसके लिए परिजनों को राज्य में किसी भी RTPS काउंटर से इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों के खाते में RTGS के माध्यम से पैसा निश्चित समय पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शघात, सांप काटना, पानी में डूबना, आग, पेड़ एवं भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत्यु के बाद प्रवासी श्रमिक को इस योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। पर 1 जुलाई से 3 माह के लिए बिहार में बालू खनन पर रोक, अक्टूबर से सरकार लागू कर सकती है नई व्यवस्था, बढ़ सकती है कीमत। जी हां, बिहार में आगामी 1 जुलाई से 3 माह के लिए बालू खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद राज्य सरकार प्रदेश में बालू खनन को लेकर नई दरें लागू कर सकती है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल बालू खनन के लिए निर्धारित दर सितंबर माह तक ही वैध है।
बड़ी खबर, बिहार में गाड़ी चलाने से पहले ट्रेनिंग देने की तैयारी। 38 जिलों में खोलेंगे 76 ड्राइविंग स्कूल। जी हां, बिहार में जब सड़कें अच्छी बनी तो सड़क हादसे अचानक तेजी से बढ़ गए। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में हर साल करीब 7,000 लोगों की मौत राज्य में सड़क हादसे में हो जाती है। इसे देखते हादसों में कमी लाने को लेकर बिहार सरकार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नौसिखिया वाहन चालकों को पहले से ही कुशल प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 76 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। पटना के पुलवार शरीफ में राज्य पथ परिवहन निगम के नव निर्मित कैंपस में भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बन रहा है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए इलाहाबाद, कटिहार, रोहतास और कैमूर में सिविल वर्क चल रहा है। और अंत की बड़ी खबर, आज से चलेगी राजेंद्र नगर बांका और जयनगर भागलपुर इंटरसिटी। जी हां, राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी और जयनगर भागलपुर इंटरसिटी स्पेशल का परिचालन सोमवार यानी आज से शुरू हो जाएगा। इन दोनों ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो गई है। 29 जून को ये दोनों ट्रेनें भागलपुर से क्रमशः राजेंद्र नगर और जयनगर के लिए रवाना होगी।